दोस्तों, क्या दिल्ली की टीम पंजाब को हराकर उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को खत्म कर देगी? जी हां दोस्तों, आज आईपीएल का 64वां मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच खेला जाएगा। जहां एक तरफ दिल्ली का सफर तो इस आईपीएल से खत्म हो चुका है और वो आईपीएल की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन दोस्तों पंजाब के पास मौका है कि वो ये मैच जीत कर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखे। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की टीम अगर अपनी पिछली हार का बदला पंजाब से ले लेती है तो फिर पंजाब की टीम भी दिल्ली की तरह आईपीएल की रेस से बाहर हो जाएगी। तो ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं कि इस मैच में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी और दोस्तों जानेंगे आज के मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों पहले बात करें इन दोनों ही टीमों के बीच, आईपीएल इतिहास में 31 मैच खेले गए हैं, 31 में से 16 बार पंजाब को जीत हाथ लगी है तो 15 मैच दिल्ली ने जीते हैं। और दोस्तों जब इस साल इन दोनों टीमों के बीच मैच हुआ था तो उस मैच को पंजाब ने 31 रनों से जीतकर दिल्ली को हरा दिया था और दिल्ली के प्लेऑफ की उम्मीदों को तोड़ दिया था। अब ऐसे में दिल्ली के पास मौका है कि वो पंजाब की प्लेऑफ की उम्मीदों को तोड़े और ऐसे में इन दोनों ही टीमों के बीच आज आईपीएल का बड़ा मुकाबला धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में खेला जाएगा। और दोस्तों ये मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। तो वही दोस्तों इस समय पंजाब की टीम 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर है, तो दिल्ली की टीम 8 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। और दोस्तों ऐसे में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो, और पहले बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए कप्तान डेविड वार्नर के साथ फिलिप सॉल्ट दिखाई देंगे। तो मिडिल ऑर्डर में मिचेल मार्श, रिले रूसो, मनीष पांडे, अमन खान और अक्षर पटेल मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। तो गेंदबाजी में कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा और खलील अहमद दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए परब सिमरन सिंह के साथ कप्तान शिखर धवन दिखाई देंगे। तो मिडिल ऑर्डर में सिकंदर रजा, लिम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन और शाहरुख खान मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। तो गेंदबाजी में हरप्रीत बरार, ऋषि धवन, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। और दोस्तों आज के इस बड़े मुकाबले में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 आज कुछ इस तरह दिखाई देगी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पंजाब की टीम प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखेगी या दिल्ली की टीम उन्हें हरा कर उनका सफर यहीं समाप्त करेगी? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।